हेलो एवरीवन, कुक जीत और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे विंटर स्पेशल मटर मलाई मसाला की चटपटी सब्जी की रेसिपी। ये सब्जी आप अगर एक बार बनाएंगे तो दो रोटी की जगह चार रोटी खाना पसंद करोगे। घर में अगर बर्थडे पार्टी है, छोटा मोटा फंक्शन रखा है तो ये सब्जी आप ज़रूर बनाइएगा। जो भी खाएंगे वो आपकी तारीफ ही तारीफ ज़रूर करेंगे। दोस्तों, चलो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, न्यू आए हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल घंटी को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी, और लाइक में कंजूसी बिल्कुल ना करें। तो चलो दोस्तों, रेसिपी की करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एकदम फ्रेश वाले मटर ले लिए है 500 ग्राम। तीन बड़े ऑनियन है, इसको मैंने एकदम बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। दो बड़े चम्मच हम ऐड करेंगे मलाई, 50 ग्राम के करीब हमारी मलाई है, फ्रेश मलाई है, घर की मलाई है। दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे हरी मिर्च, 7 से 8 हरी मिर्च, कम तीखी वाली हरी मिर्च ली है। दो चम्मच मैंने यहाँ पर काजू ले लिया है। 10 से 12 कली हम लहसुन की ले लेंगे, और दो बड़े ऑनियन लेंगे। लहसुन अभी ज़्यादा है, थोड़ा सा मैं हटा लूँगी लहसुन को, ओनली 10 से 12 कली ऐड करनी है लहसुन की। और यहाँ पर मैंने दो शिमला मिर्च लिया था मीडियम साइज़ का, इसका अंदर का बीज हटा के, इसकी डंडी को हटा के मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी है। दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे गैस की फ्लेम को ऑन और ऊपर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर ऐड कर लेना है 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप कौन सा भी ऑयल ऐड कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर हरी मिर्च, लहसुन और काजू को मैंने अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद उसको हटा लिया है। ठंडा करने के बाद उसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे और पेस्ट बना लेंगे। तो उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे ऑनियन और 1 चम्मच जीरा। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पका लेना है। ऑनियन हमारी अच्छे से पक चुकी है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ऑनियन को दरदरा पीस लेना है मिक्सर जार के अंदर। ये देखिए दोस्तों, इसी कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, और इसके अंदर मटर और शिमला मिर्च दोनों को ऐड कर लेंगे और अच्छे से पका लेंगे। आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करके ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट के लिए पका लीजिए। ये मटर जल्दी से जल्दी ऑयल के अंदर पक के रेडी होते हैं। आप अगर पानी के अंदर पका के बनाते हो ना दोस्तों, तो इतना टेस्टी नहीं लगता है सब्ज़ी, लेकिन आप इस तरीके से अगर ऑयल के अंदर पकाओगे तो सब्ज़ी एकदम टेस्टी बनेगी, एकदम होटल स्टाइल में बनेगी। मटर और शिमला मिर्च अच्छे से पक चुके थे, तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच ऑयल लिया है, रिफाइन ऑयल। आप कौन सा भी ऑयल ऐड कर सकते हो। और 2 बड़े चम्मच ऐड कर लेना है यहाँ पर बटर। मैंने यहाँ पर अमूल का बटर लिया है, आप कौन सा भी बटर ऐड कर सकते हो। अब हम ऐड करेंगे ग्रेवी। तो ये ग्रेवी दोस्तों हरी मिर्च, काजू और लहसुन जो भून के रखा था ना उसका है, और इसके अंदर 2 बड़े टमाटर रखे थे वो भी कच्चे वाले, इसके अंदर पीस लिया है। अब हमें ऑयल छूटने तक ग्रेवी को पका लेना है। उसी ग्रेवी के अंदर हम पीसा हुआ ऑनियन भी ऐड कर लेंगे। देखिए, मैंने प्याज को एकदम दरदरा पीस लिया था। दरदरा पीसने से हमारी सब्जी एकदम टेस्टी बनती है दोस्तों। अब मेहनत का काम है। जब कोई भी रेसिपी को आप अगर टेस्टी और लाजवाब बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा मेहनत जरूर लगता है, लेकिन उसका फल जो होता है एकदम मीठा होता है। आप इस ग्रेवी को लगातार मीडियम गैस के ऊपर पकाते रहे, अपने आप ये कढ़ाई से अलग होने लगेगी। जब तक ये कढ़ाई से अलग ना हो तब तक इसको भूनते रहे ताकि ये कढ़ाई के नीचे चिपक न जाए। अब देखिए, किनारे से अलग से ऑयल छूटने लगा है, एकदम कढ़ाई को अलग छोड़ दिया है ग्रेवी ने। तो इसके अंदर शिमला मिर्च और मटर ऐड कर लेंगे। ग्रेवी अगर आपकी अच्छे से ऑयल छूटने तक पकी होगी तो आपकी ये सब्जी लाजवाब बनेगी। देखिए दोस्तों, अच्छे से हमारी ग्रेवी मिक्स हो चुकी है। तो इसके अंदर 2 चम्मच ऐड करेंगे धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। 3 से 4 चम्मच हम ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर। ये मैंने कम तीखा वाला रेड चिल्ली पाउडर यूज़ किया है, आप चाहे तो और भी ऐड कर सकते हो। 1 चम्मच हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। सारे मसालों को अच्छे से ग्रेवी के अंदर मिक्स कर लेना है।
अब हम इसके अंदर मसाला जब अच्छे से पक जाएगा तो थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ऐड करेंगे। याद रखिए दोस्तों, ठंडा पानी ऐड नहीं करना है। एक साइड आप गर्म पानी करके ज़रूर रखिए एक भगोने के अंदर। मैंने यहाँ पर 3 ग्लास पानी को गर्म करके रखा है, तो वो गर्म पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और अच्छे से ग्रेवी को मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, आप अगर ग्रेवी को ठीक रखना चाहते हो तो ठीक रख सकते हो, या तो फिर पतला रखना चाहते हो तो पतला रख सकते हो। मैंने टोटल इसके अंदर 3 ग्लास पानी ऐड किया है, तो मेरी ग्रेवी ज़्यादा थिक भी नहीं होगी और ज़्यादा पतला भी नहीं होगा। तो ये देखिए, और भी हम इसको थोड़ा पका लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब हम इस ग्रेवी को 10 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा और अच्छे से पक भी जाएगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच मलाई। 2 चम्मच मलाई मैंने ऐड कर लिया है और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा के रखा है। स्लो गैस के ऊपर अच्छे से मलाई को मिक्स कर लेंगे सब्जी के अंदर। ऐसा करने से मलाई हमारा बिल्कुल भी फटेगा नहीं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ग्रेवी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। तो मटर मलाई मसाला मैंने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच ऐड किया है। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है, एकदम रेस्टोरेंट जैसा सब्जी का खुशबू आ रहा है दोस्तों। और मैंने यहाँ पर एवरेस्ट का मसाला लिया है, क्योंकि मेरे घर में हमेशा एवरेस्ट का मसाला ही यूज़ होता है और एवरेस्ट का मसाला सबसे बेस्ट मसाला है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों, हमारी सब्जी अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद मैंने सब्जी को 2 मिनट के लिए पकाया था। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।